17वीं लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद अब वोटिंग शुरू हो गई है। 11 अप्रैल को पहले चरण के चुनाव के बाद आज दूसरे चरण का चुनाव हो रहा है। दूसरे चरण में असम की 5 सीटों पर भी वोटिंग जारी है। इन 5 सीटों पर पिछले चुनाव में मोदी लहर के बावजूद कांग्रेस ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी। दूसरे चरण में देश के 12 राज्यों की 95 सीटों पर वोटिंग होगी। असम के 5 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर की 1 सीट आंतरिक मणिपुर पर वोटिंग हो रही है। असम की 5 सीटों में करीमगंज पर AIUDF के राधेश्याम विश्वास, सिलचर पर कांग्रेस के सुष्मिता देव, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट पर कांग्रेस के बीरेन्द्र सिंह एगंती, मंगलदोई पर बीजेपी के रमेन डेका और नगांव पर बीजेपी के राजेन गोहेन का कब्जा था। पहले चरण के चुनाव में देश के 20 राज्यों के 91 सीटों पर वोटिंग हुई, जिसमें पूर्वोत्तर राज्यों की 25 में से 14 सीटों पर वोटिंग हुई, जिसमें असम की 5, मणिपुर की 1, त्रिपुरा की 1, अरुणाचल की 2, मेघालय की 2, मिजोरम लोकसभा सीट, नागालैंड लोकसभा सीट और सिक्किम लोकसभा सीट के लिए मतदान हुए। बता दें कि लोकसभा की 543 सीटों के लिए चुनाव 11 अप्रैल से 19 मई के बीच 7 चरणों में संपन्न कराए जाएंगे। दूसरे चरण का मतदान 18 अप्रैल को, तीसरे चरण का 23 अप्रैल को, चौथे चरण का 29 अप्रैल को, पांचवें चरण का 6 मई को, छठे चरण का 12 मई को और सातवें चरण का मतदान 19 मई को होगा और इसी के साथ ही मतगणना 23 मई को की जाएगी। पहले चरण में 20 राज्यों की 91 सीटों, दूसरे चरण में 12 राज्यों की 95 सीटों, तीसरे चरण में 16 राज्यों की 117 सीटों, चौथे चरण में 9 राज्यों की 71 सीटों, पांचवें चरण में 7 राज्यों की 51 सीटों, छठे चरण में 7 राज्यों की 59 सीटों और सातवें चरण में 7 राज्यों की 59 सीटों पर मतदान होंगे।